हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल होलिस्टिक हीलिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसे कि आयुर्वेद में आमवाद कहा जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, क्या सिम्टम हैं, आम कैसे बनता है, वो फर्दर डिजीज़ कैसे उत्पन्न करता है, उस जब आम बॉडी में बनता है तो क्या सिम्टम दिखाई देते हैं और फर्दर इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए किस तरह के ब्लड टेस्ट कराने चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए किस तरह के ब्लड टेस्ट कराने चाहिए। तो अगर हम ब्लड टेस्ट की बात करें तो इसमें दो मेन टेस्ट हैं, जिसमें सबसे पहला है आर ए फैक्टर और दूसरा है एंटी सी सी पी एंटीबॉडी टेस्ट। तो बेसिकली जो पहला टेस्ट है आर ए फैक्टर, वो अगर नेगेटिव भी आ जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। उसका कारण ये है कि सम टाइम पेशेंट ऐसे सिम्टम शो करता है जैसे कि उसे फटीग बहुत ज़्यादा है, उसको अनयूजुअल थकावट लग रही है, भूख नहीं लगती, उसको टेस्टलेसनेस लग रही है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, या फिर उसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन है। ऐसे केसेस में अगर टेस्ट नेगेटिव भी है तो भी उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की इनिशियल स्टेज हो सकती है। दूसरा, एंटी सी सी पी एंटीबॉडीज़ में जितना ज़्यादा टाइट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंफर्म करता है। इन दोनों टेस्ट के अलावा इन्फ्लेमेशन मार्कर टेस्ट भी कराए जाते हैं, जिसमें ESR और सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट शामिल है। इन दोनों टेस्ट की रिपोर्ट से बॉडी में इन्फ्लेमेशन का पता लगता है। तो बेसिकली ये चारों टेस्ट और इसके साथ साथ पेशेंट के सिम्टम्स, उनको कंबाइंड करके ही पेशेंट का डायग्नोस बनता है कि उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। अब बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली एलोपैथी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले पेन और इन्फ्लेमेशन पे काम किया जाता है, जिसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं जो इन्फ्लेमेशन भी कम करती हैं और पेन भी कम करती हैं। दूसरा, इसमें डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स दी जाती हैं जो कि जॉइंट्स को फर्दर डिफॉर्म होने से बचाती हैं। तीसरा, इसमें बेसिकली क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसमें स्टेरॉयड यूज़ किए जाते हैं इम्यूनिटी को रिड्यूस करने के लिए। बट इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही स्टेरॉयड है, क्योंकि स्टेरॉयड उस डिजीज़ में तो काम कर जाता है लेकिन इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से और डिजीज़ के लिए पेशेंट को ससेप्टेबल बना देता है। तो और दूसरा, एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेद में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले आम का पाचन किया जाता है, उसके बाद आम दोष को शरीर से बाहर निकाला जाता है, और तीसरा, इसमें जो प्रकोपित वात है उसको शांत किया जाता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि डिजीज़ की अवस्था क्या है। आयुर्वेद में इसकी दो अवस्थाएं मानी गई हैं, जिसमें कि साम अवस्था और निराम अवस्था। साम अवस्था डिजीज़ की वो स्टेज है जिसमें कि वात दोष के साथ आम दोष जो है वो बाइंड हो जाता है। तो इस केस की भी आगे फर्दर दो अवस्थाएं हैं, ज्वर अवस्था और ज्वर मुक्त अवस्था। बेसिकली कैसे पता लगेगा कि साम अवस्था है, इसमें आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे जैसे कि जॉइंट्स में स्वेलिंग होना, पेन होना, स्टिफनेस होना, खासकर मॉर्निंग स्टिफनेस होना, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन रहना, टेस्टलेसनेस होना, फटीग होना, ये सारे सिम्टम्स आम के वात के साथ संबंध होने को बताते हैं। तो इस अवस्था में बेसिकली आपको सबसे पहले आम का पाचन किया जाता है। तो अगर ज्वर अवस्था है यानी कि विद फीवर है तो उस केस में सबसे पहले फीवर को ट्रीट किया जाता है। इसके लिए हम दीपन पाचन मेडिसिंस देते हैं, जैसे कि शुंठी से दूध दिया जाता है, पंचकोल चूर्ण दिया जाता है, षडंग पानी दिया जाता है जो कि आम का पाचन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अल्प आहार दिया जाता है, पेशेंट को जो है लिक्विड डाइट पे रखते हैं जैसे कि खिचड़ी वगैरह पे, और पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट कराया जाता है। जो सबसे बड़ी कॉन्ट्राइंडिकेशन है साम अवस्था की, वो है कि आपने इस टाइम पे ना तो घी का सेवन करना है और ना ही आपने कोई भी ऑयल अप्लाई करना है, क्योंकि ये कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि आम अवस्था में ये उसको और ज़्यादा एग्रीवेट कर देता है।
तो इस केस में आप रुक्ष स्वेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप इसमें ड्राई फॉर्मेंटेशन की जाती है जो कि आप पोटली स्वेदन से कर सकते हैं। बालू का स्वेदन इसमें यूज़ करते हैं जिसमें आप रेत को गर्म करके उसकी पोटली बना के जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर आप उसे सेक कर सकते हैं। इससे आम का पाचन भी होगा और आपको पेन और स्वेलिंग में भी रिलीफ महसूस होगा। इस केस में मेनली रेस्ट कराया जाता है, ल्यूकवॉर्म वाटर पीने को दिया जाता है। इस अवस्था में आम के पाचन के ऊपर जोर दिया जाता है ताकि आम का पाचन हो और पेशेंट ज्वर मुक्त हो सके। दूसरी अवस्था में जिसे कि ज्वर मुक्त अवस्था कहते हैं, इसे मतलब कि विदाउट फीवर, इस अवस्था में पेशेंट में को मैक्सिमम प्रिकॉशन की जाती है ताकि उसको रिलैप्स ऑफ फीवर ना हो। दूसरा, उसको रेस्ट कराया जाता है क्योंकि वीकनेस काफ़ी आ जाती है पेशेंट को। इसके अलावा जो दोष, जो आम दोष अलग हुआ है वात से, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए पंचकर्म थेरेपी प्रयोग की जाती है। पंचकर्म थेरेपी में बेसिकली वमन के द्वारा यानी वॉमिटिंग के थ्रू, विरेचन के द्वारा यानी मोशंस के थ्रू, अनुवासन बस्ती के थ्रू, और जिसे कि एनीमा कहते हैं, मेडिकेटेड एनीमास, और इसके अलावा नस्य यानी नेजल ड्रॉप्स के थ्रू पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। इसके बाद दूसरी जो मेन अवस्था है वो है निराम अवस्था। निराम अवस्था बेसिकली वो अवस्था है जिसमें वात दोष का आम के साथ संबंध खत्म हो जाता है, मतलब उसमें आम का पूरी तरह से निर्हरण हो जाता है और सिर्फ प्रकोपित वात के ऊपर हमें काम करना होता है। इस केस में पेशेंट काफ़ी लाइट फील करता है, तो उसको क्योंकि काफ़ी पेशेंट वीक हो जाता है इसलिए मेनली इसमें रसायन चिकित्सा की जाती है। इसमें पेशेंट को, पेशेंट ने बहुत सारे गूगल प्रयोग किए होते हैं ड्यूरिंग थेरेपी पेन और इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करने के लिए, तो उसकी बॉडी में ओज जो है उसका क्षय हो जाता है। इसके लिए बेसिकली उनको घृत खाने के लिए दिया जाता है जिसमें कि शुंठी आदि घृत, पिपल्य घृत, महातिक्त घृत उसको खाने के लिए दिया जाता है। इससे उसको स्ट्रेंथ भी मिलती है और उसकी इम्यूनिटी भी एनहांस होती है, यहाँ तक कि डाइजेशन में भी इम्प्रूवमेंट होती है और घी खाने से वात शांत होती है। दूसरा, पेशेंट को एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि उसकी बॉडी में जो स्टिफनेस है उसको ठीक किया जा सके और जो जॉइंट्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। तीसरा, इसमें रसायन चिकित्सा देते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो सके। उसके लिए पिपली आदि रसायन और भी कई तरह के रसायन यूज़ किए जाते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा वात को शांत करने के लिए अनुवासन बस्ती, वैतरण बस्ती और मात्रा बस्ती का प्रयोग किया जाता है ताकि वात, प्रकोपित वात को शांत किया जा सके और बॉडी को रिजुविनेट किया जा सके। आम वात में जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं उसमें मेनली है अग्नितुंडी वटी, आम वातारी रस, रसोनपिंड, योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, रासनादि गुगुल, सीनाद गुगुल, प्रलाप अलंकेश्वर रस, महावात विध्वंसक रस, शमूल कषाय, महारासनादिक्वात, ये मेडिसिन्स मेनली आमवात में यूज़ की जाती हैं। जब पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और रसायन के बाद उसकी इम्यूनिटी भी एनहांस हो जाती है, उसके बाद पेशेंट को प्रॉपर आहार और विहार पर डाला जाता है, यानी कि उसके फूड और लाइफस्टाइल पर काम किया जाता है। इसको पथ्य और अपथ्य कहा गया है आयुर्वेद में कि क्या चीज़ें उसको खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।